हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ निशात बुरा और आज हम यहाँ बात करेंगे कि एनडीए के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट +1 +2 में या जो स्टूडेंट क्लास 9 10th में और चाहते हैं, उनका अगर इच्छा है कि हम एज ऑफिसर इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। इंडियन डिफेंस फोर्स, डिफेंस में कौन कौन सी फोर्सेज आती है? डिफेंस में 3 फोर्सेज आती है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स। ये 3 फोर्सेस आती। तो इसमें एज अ ऑफिसर जाने का सबसे बेस्ट तरीका और सबसे पहला सीढ़ी होती है एनडीए क्लियर करना। एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल डिफेंस, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये आपके काम आने वाला, और ये उन बच्चों के लिए खासकर जो एनडीए के लिए तैयारियां करते हैं और वो सोचते हैं कि कितनी वैकेंसीज होती हैं, कैसे हमें एनडीए में जाना है, क्या वहाँ हमें करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि एनडीए में जाना बहुत इजी है, बहुत आसान है, उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें कुछ भी। लेकिन क्या होता है कि प्रॉपर गाइडेंस की कमी होने की वजह से लोग इसको बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। यहाँ तक अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो एक सिपाही भर्ती होना मुश्किल है जबकि अफसर बनना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि सिपाही में 1600 मीटर दौड़ना इतना मुश्किल होता है कि बहुत ज़्यादा। और इसमें जो बच्चा अगर +1 +2 प्रॉपर अपना अच्छे से पढ़ रहा है, अगर उसका अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर पूर्ण नियंत्रण है, तो वो आराम से रिटन एग्जाम क्लियर कर देता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हर 6 महीने में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, यानी कि हर एक साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम आता है। और हर 6 महीने में कितने स्टूडेंट्स, करीबन 5.5 से 6 हजार बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं एनडीए का। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और इसको एक नॉर्मल बच्चा जिसका जो नॉर्मली 60-70% ले रहा है, वो भी इजीली क्रैक कर जाता है एग्जाम। और दूसरा, इसका सेकंड, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिटन एग्जाम, दूसरा होता है एसएसबी इंटरव्यू। दोनों की हम यहाँ बात करेंगे, दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि अगर आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ हमें मेहनत करनी है और किस तरीके से मेहनत करनी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एनडीए में हर 6 महीने में 5.5 से 6 हजार के बीच बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर करते, लेकिन एट लास्ट वैकेंसी कितनी होती है? वैकेंसी होती है 400 के करीब। और बच्चे ज्वाइन कितना करते हैं? 400 भी नहीं कर पाते, कभी 350 आते हैं, कभी 320 आते हैं, मतलब बहुत कम बच्चे। जितनी वैकेंसीज होती है इतनी भी फिलअप पूरी नहीं होती। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खास बात है कि इतनी वैकेंसीज फिलअप क्यों नहीं हो पाती? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एनडीए का एग्जाम है ना, वो बहुत आराम से क्लियर हो जाता है, काफी बच्चे उसको क्लियर करते हैं। लेकिन उसके बाद एक होता है एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू में आपकी साइकोलॉजी देखी जाती है, आप बच्चे का हैबिट देखा जाता है, बच्चे को देखा जाता है कि उसका मोटो क्या है, वो कितना उसके अंदर करेज क्या है, उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी कितनी है, कितना वो बातों को, अगर कोई भी बात होती है तो उसका उसका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को एक टीम के द्वारा जज किया जाता है और ये कई दिन लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें से बच्चे को गुजरना होता है। जो बच्चा उसको क्लियर करता है, देन ही वो उसका मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद वो एनडीए ज्वाइन करता है। एनडीए ज्वाइन करने में इसमें 3 फोर्सेज होती है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तीनों फोर्सेज की मिला के अप्रोक्सीमेट 400 के अप्रोक्सीमेट यहाँ वैकेंसीज होती हैं। और हर 6 महीने में इसका नोटिफिकेशन आता है। इसका एग्जाम की अगर हम बात करें तो एक बार इसका नोटिफिकेशन एक बार साल के शुरुआत में यानी कि जनवरी में आता, और एक सेकंड टाइम आता जून में। जिस बच्चे का पीछे जनवरी में नहीं दे पाए या जो उस मिस चांस को मिस कर गए थे, जो स्टूडेंट +2 में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी +2 में चल रहे हैं या अभी +2 से पास आउट हुए हैं, वो अभी जून के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। जिसका रिजल्ट नहीं आया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इस बार तो कोरोना का टाइम चल रहा था और मैक्सिमम लगभग सभी स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाए, पर
ये प्लस टू के जो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हुए लेकिन अपियरिंग स्टूडेंट भी यहाँ पेपर दे सकता है। आपने करना क्या है, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया अपने यूपीएससी की साइट पे जाना और वहाँ जाके चेक कर लेना कि इसका नोटिफिकेशन आ गया और आपने फॉर्म फिलअप करना है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही हो या वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहा हो या उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हो, कभी फॉर्म फिलअप करने में गलत मिस्टेक ना हो, तो आप हमें दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं बताऊंगा कि यहाँ हमें हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर एनडीए की प्रिपरेशन करवाते हैं। जब वो बच्चा क्लास 9th में होता है तब से ही हम उसका एक मोटो बनाते हैं, उसका एक एम बनाते हैं कि बेटा आपने एनडीए में जाना है और एज ए ऑफिसर आपने सिलेक्शन देना है। तो वो क्या करते हैं, उसी टाइम से हम उसको जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस, हमारा जो सिलेबस अलग से हमने तैयार किया, जो वो रेगुलर सिलेबस पढ़ रहा है बोर्ड की क्लास के लिए, उसके अलावा उस सिलेबस को हमने एड ऑन किया उसके करिकुलम में, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ एनडीए का एग्जाम क्रैक कर पाए। और जैसे वो प्लस वन और प्लस टू में आते हैं तो प्लस वन में उनको कवर अप सिलेबस इस तरीके से सेट किया कि जैसे वो प्लस टू में आएगा और जनवरी के जो एग्ज़ाम, जनवरी में जो नोटिफिकेशन आता है उसका एग्ज़ाम अप्रोक्सीमेट अप्रैल में होता है, अप्रैल वाला जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसको क्लियर कर पाए, उसको क्वालिफाई कर पाए। तो इस तरीके से एक एम बना के जब तक हम बच्चों को नहीं चलाएंगे, जब तक हम बच्चों को उसका एम नहीं बताएंगे, तब तक ये बच्चों का सक्सेस या कामयाबी होना मुश्किल हो जाता है। तो सभी पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जिस एम में, जिस लाइन में आप डालना चाहते हैं उसकी पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करें। एनडीए के बारे में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देंगे या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं अपने बच्चों को। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिसार के अंदर एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं हम, जहाँ बच्चों को बोर्डिंग फैसिलिटी मिलेगी, जहाँ बच्चे का रहना, खाना पीना सारी सुविधाएं वही होंगी और बच्चे, छोटे बच्चे करेंगे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, जवाहर नवोदय, कुरुक्षेत्र गुरुकुल, एपीएस दक्षिण और आरआईएमसी की प्रिपरेशन। और उसके बाद जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं एनडीए की तैयारी और जो दूसरे दो बैचेस हम उसमें बना के रखते हैं, एक होता है सिर्फ एनडीए के लिए तैयारी करते हैं बच्चे और एक होता है जो अदर सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, उनका स्कूलिंग भी साथ में चलता है और उनकी जो करियर के रिगार्डिंग जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होती है वो भी साथ में चलती है। इस तरीके का पैटर्न हम लेके आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को समाप्त करने से इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप तक पहुंचते रहे। तो ये था, और वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे, उसमें सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।